हेलो दोस्तों, मैं हूँ पोकीवैक्स और आप सो लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि तुम लोग कैसे डाउनलोड कर पाओगे पोकीमोन अल्ट्रासन आपके एंड्रॉयड डिवाइस में। दोस्तों, तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ पर पहले आपको प्ले स्टोर में जाके जेड आर्काइवर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों, ये बहुत फेमस एप्लीकेशन है वीडियोज़ को सॉरी फाइल्स को एक्सपोर्ट करने में। दोस्तों, तो इस एप्लीकेशन का आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, बहुत इजी है। जेड आर्काइवर टाइप कीजिए दोस्तों और अपने इसके बाद अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए और क्रोम ब्राउज़र में वो लिंक पेस्ट कीजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप बस उस लिंक के ऊपर क्लिक करना तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो मैं वही लिंक यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद ये easymoneyearn.com का लिंक है, मैंने दिया हुआ है। तो इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको एक कैप्चा कंप्लीट करने का है, आई एम नॉट अ रोबोट का। दोस्तों, अगर आप लकी होंगे तो फटाक से हो जाएगा, वरना अनलकी होंगे तो आपको एक कैप्चा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फटाक से हो गया, तो क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे 15 सेकेंड आपको रुकना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं वीडियो स्किप करता हूँ 15 सेकेंड। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा 15 सेकेंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे सब चुक जाते हैं, पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है जब तक आपको गेट लिंक आया नहीं। दोस्तों, गेट लिंक के ऊपर क्लिक कर देना, गेट लिंक ग्रीन कलर का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये फोटो दिखाएगा जो मैंने थंबनेल में रखा है। उसके बाद नीचे आपको दो पार्ट्स दिखाएंगे और एक एमुलेटर का लिंक दिखाएगा। आपको तीनों को डाउनलोड करना है आपके एंड्रॉयड डिवाइस में। दोस्तों, तीसरा है वो एमुलेटर का लिंक है जो है सीट्रा एमुलेटर, और पहला दो पार्ट है, वन पार्ट और टू पार्ट, वो है गेम का लिंक है, गेम के पार्ट है दोनों। तो इन सबको डाउनलोड करके आपको आपके होम स्क्रीन पे आ जाना है। दोस्तों, ये डाउनलोड होने के बाद आपको आपका जेड आर्काइवर एप्लीकेशन ओपन करने का है। दोस्तों, जेड आर्काइवर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो फाइल को ढूंढिए जहाँ पे आपने उसे डाउनलोड किया था। तो मैंने इसे क्रोम से किया था, डाउनलोड्स में रहेगा। तो यहाँ पे है वो दोनों फाइल जो पार्ट वन है, पार्ट टू है। दोस्तों, इसमें जो पार्ट वन है उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको व्यू का ऑप्शन आएगा सबसे ऊपर। दोस्तों, व्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद आपको 3DS का लिंक आ जाएगा जो है 3.44 GB का। इतनी स्पेस आपकी स्टोरेज में रहनी चाहिए, तो उतनी है इसलिए मैंने इसको सेव करके रखा है। तो आपको इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसको कॉपी करना है। दोस्तों, मैं अभी कॉपी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको पहले से ही पेस्ट कर रखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं डिवाइस स्टोरेज में पेस्ट कर रखा हुआ है। दोस्तों, मैं फटाफट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने मेरी स्टोरेज बहुत भरी पड़ी है। तो अभी आपको करना है क्या, आपका सीट्रा इम्यूलेटर खोलने का है। दोस्तों, सीट्रा इम्यूलेटर खोलने के बाद आपको यहाँ पे गेम नहीं दिख रहा होगा, मेरे में दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले से ही प्ले करना चालू किया और वीडियो गेम खेलने के बाद ही बनाया है। दोस्तों, तो ये प्रूफ है। दोस्तों, तो प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए, अगर डिवाइस स्टोरेज में रहेगा तो डायरेक्ट ओके कर दीजिएगा, अगर नहीं रहेगा तो ऊपर के दो डॉट्स पे क्लिक कीजिए क्योंकि वहाँ पे आपका SD कार्ड स्टोरेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, तो अभी डिवाइस स्टोरेज में तो ओके कर देना, मेरा यहाँ पे खुला हुआ है। दोस्तों, तो ऐसा आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसे पहले ही खेल चुका हूँ, तो मेरे पास इसका गेम प्ले स्टोर है, तो आप इसका गेम प्ले देख लेंगे इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों, मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए हो, जो है पोकेवैक्स हिंदी। मैं ऐसी पोकेमोन थियोरीज के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, तो अभी आप गेम प्ले एंजॉय करो। दोस्तों, मैं पहले से ही खेल चुका इसलिए बीच में से गेम प्ले चालू होगा तो उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि गेम थोड़ा स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है। दोस्तों, तो बस आज का वीडियो यही रहा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना पोकेवैक्स हिंदी को। दोस्तों, तो चलो अभी आप गेम प्ले एंजॉय करो।